हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फाइनली घूम घाम के हम आ गए हैं। तो इतनी अचानक वाली ट्रिप बनी ना। वैसे ट्रिप का तो हम पहले से ही प्लान बना रहे थे, आप लोगों को पता ही, मैंने बता ही रखा था अपने पहले वाले ब्लॉग्स में कि हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम एवरी ईयर जाते हैं वैष्णो देवी, तो इस बार भी हमें जाना था। बट हम सोचे थे अब जाएं तब जाएं। फिर अब जैसे हमने प्लान बनाया, उसके एक दिन पहले हमने न्यूज़ देखी कि जो सारे फार्मर्स हैं वो दिल्ली बॉर्डर्स पे जो वो सारे सील हो गए हैं, मतलब कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो हमारा पहले से ही था कि अब जाएंगे तब जाएंगे। तो मैंने कहा चलो, अगर जब जाना होगा और ये बोलेंगे तो मैं उसे एक दिन पहले सारी अपनी प्रिपरेशन कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है कहीं भी जाओ आपको ज़रूरतें तो होती होती है। आप कितना भी सामान रख लो बट आपको ज़रूरत होती है। तो वही था अभी, और विंटर भी स्टार्ट हो गया है तो मुझे बच्चों के लिए लेने, तो मैं कुछ ही चीज़ें लेके आई थी जो आप लोगों से मैंने शेयर किया था। मैंने कहा मुझे अभी और भी लाना है, मार्केट भी जाना है, दैट्स व्हाई मैं जा नहीं पाई। फिर हमने थर्सडे फिर रात को ये बोलते हैं कि नहीं अब हम ना कल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने फ्राइडे प्लान बनाया था, फ्राइडे आई थिंक 27 को, हाँ 27 नवंबर को। फिर रात को ये बोलते हैं सोनिया आई थिंक कैंसिल करना पड़ेगा, भैया भी मना कर रहे, सब मना कर रहे, क्योंकि अभी मत जाओ, अभी बॉर्डर्स पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है तो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी दिन बाद चले जाओ। हमने कहा चलो ठीक है। फिर बच्चों के 7 दिसंबर से पेपर थे, वो आई थिंक 18 को ख़त्म, 18 हाँ 18 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे, या पता नहीं, आई डोंट नो, हो गए होंगे। ये ब्लॉग कब जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि और भी वीडियोस हैं मेरी। तो 18 दिसंबर को वो पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्रिसमस पे प्लान बना लेते हैं, जो उनका ऑफ होगा तो उस टाइम हम चल लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। एंड फ्राइडे जब वो ऑफिस से आ रहे थे 8 बजे 9 बजे, कह रहे थे यार थोड़ा सा, मुझे लग रहा है न्यूज़ में उन्होंने देखा होगा या बोला होगा किसी ने कि अभी थोड़ा, तो हम लोग ये बोलते कि सोनिया आई थिंक अभी थोड़ा देर में मैं बताता हूँ, एक काम करो कपड़े पैक कर लो, हम कल निकल लेते हैं। मतलब फ्राइडे उन्होंने बोला, मुझे बोला 27 को, एंड 28 को सैटरडे हम सुबह सुबह निकल लेते हैं। बट सडन ऐसा मैंने कहा इतनी जल्दी, एटलीस्ट एक दिन का टाइम तो दो, ये अचानक कैसे कौन जाएगा इतनी जल्दी? मैंने तो अभी सामान भी नहीं खरीदा, मुझे सामान लेना। कह रहे जो है उसी से कर लो, मैनेज कर लो, देख लो। मतलब 8:30 बजे आए, 8:30 बजे आए थे, मैं कब, 9 बजे आए थे, 9 बजे करीब, 9 बजे करीब आए और बोलते हैं कि चलो पैकिंग कर लो। फिर दीदी को फोन किया, नीलम दीदी को, नीलम दीदी बोली इतनी जल्दी? मैंने कहा बस ये कह रहे हैं चले तो नहीं मेरे, चल लेंगे। फिर मेरे को 2-3 अर्जेंट है, फिर मैं इनके साथ गई ही आए, फिर इनके साथ मैं स्कूटीज गई। वैसे आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से शॉप्स जल्दी बंद हो जा रही है, बट हम गए 2-3 चीज़ें, मतलब जो मुझे मिला वो लिया, बाकी बहुत सारी चीज़ें मेरी रह गई थी नहीं ले पाए। और सडन मतलब 2 घंटे में पैकिंग, अब मतलब ये था 9:30 पौने 10 बजे, 10 बजे फ्री, उसके बाद मैंने पैकिंग करी, वो करते करते सोते सोते 12 12:30 हमको बज गए। और उसके बाद सोए और 3 बजे फिर उठ गए हम लोग, 3 बजे उठ गए थे ना, 3 बजे 3:30 बजे हम लोग निकल गए। मतलब इतनी अचानक वाली सडन वाला प्लान बना। फिर हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, बन गया बन गया, होता ही है, कभी कभी ऐसा होता है ना, सडन वाली अचानक वाली ट्रिप भी अच्छी होती है। फिर हमने सोचा कि चलो पहले वैष्णो देवी चल लेते हैं, फिर आते वक्त हम लोग अमृतसर घूमे आएंगे, अमृतसर भी चलेंगे। बच्चों को आयु कह रहा था पापा अमृतसर मुझे जाना, गोल्डन टेम्पल जाना, बिल्कुल भी हमारे माइंड में नहीं था कि हम जिस दिन आएंगे उस दिन गुरु नानक जयंती है, तो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिर हम जैसे ही निकले हम लोग ये बोले सुबह है ना, वैष्णो देवी से जब हम वापस आ गए तो इन्होंने बोला रात को चलो सो जाओ, जल्दी उठ जाना, बिकॉज हम सुबह है ना जल्दी निकलेंगे तो हम लोग अमृतसर पहुंच जाएंगे 4 से 5 घंटे में। हमने कहा चलो ठीक है, 4 से 5 घंटे में अमृतसर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे आधे रात में इनको कहा आज तो गुरु नानक जयंती है, आज तो बहुत भीड़ होगी, जाना तो मुझे नहीं लगता ठीक है बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे। फिर हमारा प्लान वहीं से कैंसिल हुआ। तो फिर हमने कहा लेट्स, कोई बात नहीं, हम घर चल लेते हैं, नेक्स्ट टाइम प्लान बना लेंगे। तो ऐसा ही रहा पूरी ट्रिप ना, लेकिन ऑसम थी। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे ट्रिप वाले, आप लोगों को आए हो पसंद आए होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल पे मेरे ट्रिप का ब्लॉग ज़रूर देखें। एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी हो गई दोपहर, और वहाँ बाहर इतना
खाना हैवी हैवी खा के, बिल्कुल हैवी खाने का मन नहीं आ रहा। तो मैंने ब्रेकफास्ट में भी आज ओट्स खाए थे, एंड लंच में मैं सोची खिचड़ी खाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं कर रहा है। एंड मेरा फेस इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है, आई डोंट नो अब कि क्यों मेरे फेस में इतनी स्वेलिंग आ गई है। एंड आई थिंक हाथों में भी दिख रहा है आप लोगों को, हाथों में भी स्वेलिंग आ गई है, पैरों में भी हल्की हल्की स्वेलिंग है, बट वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी मुझे लगता है, देखते हैं। बट हाँ, फेस पे तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई होगी, वो तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। एंड अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, लंच करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। फिर गुड मॉर्निंग गाइस, कल का ही ब्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कल फिर कुछ करने की इच्छा हुई नहीं और फिर मैंने ब्लॉग पूरा नहीं किया। और अभी हो गई सुबह और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, मतलब मेरा वाला वैसे तो बन चुका है, और लंच में लंच भी बन गया है, मतलब रोटी बन रही है और सब्जी बन चुकी है। इसको भी ऑन कर देते, इसको भी, आई डोंट नो पता नहीं क्यों चेहरे पे स्वेलिंग ज़्यादा लग रही है, कमी नहीं हो रही है। मैंने कहा 1-2 दिन देखती हूँ फिर डॉक्टर के पास जाती हूँ, कहीं नहीं। पहले हाथों और मेथी, मुझे लगा कि शायद वहाँ गए थे वेदर की वजह से या चढ़ाई के जो भी, उससे पहले मेरी 2-3 दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो हो सकता है कि इस वजह से हुआ हो। हाथों की स्वेलिंग तो ये देखो कम हो गई है, बट सिर्फ चेहरे चेहरे में रह गई है। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का चीज, जो कि हल्का फुल्का है। 3 डेज तो हमने बस हैवी खाया था, समझो समझो क्या खाया ही हैवी था, सारी हैवी हैवी चीज़ें खाई थी। तो मैंने सोचा कुछ लाइट ही खाऊंगी मैं, मुझे हैवी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा हैवी खाने का। वहाँ पे ऑयली ऑयली, कभी पराठा, कभी ये कभी वो, यही सारी चीज़ें खाई जा रही थी। तो मैंने कहा कुछ हल्के बना, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए मूंग दाल। बाकी तो सब खाएंगे, सबको जो चाहे वो डाइजेस्ट हो जाता है, बट मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ। ये बन रहा है मेरा चीला, हेल्दी सा, बढ़िया सा, इजी सा, बहुत जल्दी बनने वाला। आई लव मूंग दाल चीला। ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, अब मैं जा रही हूँ इसको खाने। अभी बजे है शाम के 5 और मैं आई हूँ छत। बहुत दिन हो गया आई नहीं, मतलब डेली आती हूँ लेकिन ना पैरों से चला ही नहीं जा रहा, पैर के दर्द हो रहे हैं ना। 3-4 दिन ना थोड़ा बहुत इफेक्ट तो रहता ही रहता है ना, तो वही वाली चीज़ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी सारी मिर्चियाँ लग गई, मैं काफ़ी दिन बाद देख रही हूँ। चलिए दिखी आप लोगों को मिर्ची, ये देखो ये देखो, वाह अच्छी लग रही है ना। मैं इसको प्लांटिंग का बहुत शौक है, बहुत शौक है। ये देखो यहाँ लगी, यहाँ लगी, और ये वाला प्लांट है, हम तो सोच रहे थे ना कि इसमें लगेगा ही नहीं, बट चिलीज देखो आप खुद देखो, इतनी सारी अब लगना शुरू हुई है इसमें। एंड जो टमाटर है उसमें भी फूल आ गए हैं, और ये है मूली, देन पालक, और तो देख ही रखा है इसमें भी। ये देखिए चिलीज आ गई हैं, दिख रही हैं आप लोगों को, ये देखो सो मैनी ना, बहुत सारी है, इतनी सारी लग रही हैं ना। एंड कुछ धनिया, धनिया तो मैं कई बार तोड़ चुकी हूँ, एंड बाकी तो आप लोगों ने देख ही रखा है। छत पे मौसम कितना अच्छा है, अभी 5 ही बजे हैं, तो अभी तो सन दिख रहा है आप लोगों को, दिख ही नहीं रहा होगा ना, इतनी तेज रोशनी है। आई थिंक वेदर बहुत अच्छा है, वैसे ज़्यादा ठंड है नहीं, मैंने तो हाफ ही फैन रखा क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। एंड वेदर बहुत अच्छा है, मैं कल आओ छत पे थोड़ा 10 मिनट टहले। जब ना मोस्टली कई बार होता है कि जब मेरा मतलब मन होता है कि मैं थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करूं, मतलब किसी से बात बात करने का मन नहीं करता है जब मेरा, और सोचती हूँ कहाँ बैठ जाऊं कहाँ बैठ जाऊं, तो मेरे साथ ही होता है कि मैं ना चुपचाप फ़ोन लेके छत पे चली आती हूँ, फ़ोन को रख देती हूँ साइड में,
एंड वॉक करने लग जाती हूँ, गुनगुनाने लग जाती हूँ लिटरली। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा होता है ना कि आपका मन होता है कि आप अकेले बैठो शांति से, आपके पास आसपास कोई ना हो। किस किस का ऐसा मन कर, मेरा बहुत बार ऐसा होता है कि कोई शोर शराबा ना हो, कुछ भी ना हो, आराम से। वैसे यहाँ तो शोर शराबा बहुत है क्योंकि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर है, घर से ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है, तो ट्रैफिक तो जाता रहता है। बट वो होता है ना कि कोई अकेले से आप अपनी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ अपने आप को समझ जाओ यार, तो समझने वाले होते हो, समझ ही जाते हूँ, तो वाली चीज़ होती है कि हाँ चलो यार कुछ ना, अकेले बैठ के अकेले में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फ़ोन भी छूने का मन नहीं करता, मेरे साथ ऐसा होता है लिटरली, फ़ोन भी उठाने का मन नहीं करता, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे भी जाओगे तो यार क्या देखोगे, आपको पता है जो चल रहा है वही देखोगे। कभी कभी लगता है कि इन सब सारी चीज़ों को छोड़ के ना आप कुछ एकदम शांति पूर्वक बैठ जाओ कहीं अपने ख्वाबों ख्यालों में। दैट्स वाई से दुनिया इससे नहीं चलती है, बट मन है ना, कुछ टाइम के लिए थोड़ा उसको शांत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा ही होता है, जब मैं बहुत बार होती हूँ तो बस छत पे चली आती हूँ, और यहाँ के वाह बड़ा अच्छा लगता है मुझे अपने छत पे आके इन छोटे छोटे प्लांट को देख के। छोटी सी तो बगिया बना रखी है आपने देखा है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, बट अच्छा लगता है ग्रीन 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 देख के, आई लव। और मेरे से ज़्यादा तो महेश को शौक है जो उन्होंने लगा ही रखा है, उनका बस नहीं चलता वरना तो यहाँ खेत बना देते, यही होता है। तो अभी थोड़ा 10-15 मिनट मैं टहलूँगी, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी, देखते हैं डिनर क्या मैंने बनाऊंगी, तो दाल ही, क्योंकि बाहर का आप लोगों को पता ही है खा खा के कैसा हो जाता ना मन, और फिर बाहर का खाए तो कल उसके बावजूद फिर मैं शाम को कचौरियाँ लेके आ गए, तो ना वहाँ से आने के बाद भी ना कुछ ऐसा ही हैवी सा हो जा रहा है। तो फिर मैंने कहा कि कुछ दाल चावल ही बनाऊंगी, और दाल मैं सोच रही हूँ बथू बथुआ बथुए जो भी बोलते हैं यूपी में, तो बथुआ बोलते हैं जो जानते होंगे तो उसकी दाल सोची बनाने के लिए, एंड राइस, और मैं इसको रोटी खाती हूँ तो वही बनाऊंगी। तो चलिए थोड़ी देर मैं टहल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो मैं बनाने जा रही हूँ ये बथुए की दाल, जो कि चने की दाल होती है उसमें डाल के बनाते हैं। तो मैंने उसमें पानी पहले से भिगो के रखा था, देन ये बथुए मैंने काट के रख रखा था, तो बथुए की दाल बनाने जा रही, तो इसमें मैंने ये डाल दिया है। बहुत ही सिंपल खाना बनाती हूँ मैं रात को, तो मुझे भी लगता है वैसे भी रात को हम लोग लाइट ही खाते हैं, आप लोगों को पता ही है, ज़्यादा लाइट वैसा हैवी खाना भी नहीं चाहिए, एंड मुझे ऐसा ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैं कभी कभी चावल वावल नहीं खाती, सिर्फ दाल दाल खा लेती हूँ। एंड देन इसमें मैं थोड़ी सी हींग भी डालूंगी, हल्दी, नमक, ग्रीन चिली, एंड थोड़ी सी अदरक जो होती है वो मतलब उसको कद्दूकस करके डाल देती हूँ मैं, ऐसे करके आप डाल लीजिए। और बस इसमें लगानी है चने की दाल, जितनी भी सीटी में आप बनाते हो जैसे भी, तो 5-6 सीटियाँ लगा के, क्योंकि चने की दाल थोड़ा सा टाइम लगाती है, तो इसको है ना ऐसे करके, और यही सारी चीज़ें मैं डाल के बना लूँगी। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी होती है, आपको पता है इस समय तो जो पत्ते वाली सब्जियाँ मोस्टली ठंड में हम लोगों को ज़्यादा ही मिलती है, पालक हो गई, मेथी हो गई, सरसों हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी है, तो और बिल्कुल ऐसे वेदर में तो खाना भी चाहिए, बिकॉज़ आपको पता है जितनी हरी सब्जियां, जो हमारे घर वाले बड़े लोग कहते हैं कि हरी सब्जियां इतनी फ़ायदेमंद होती है वो आँखों के लिए, पता नहीं मतलब आप पूरी बॉडी के लिए आप कह सकते हो उसके, तो बिल्कुल खाइए। तो इसमें हींग ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि चने की अगर आप बना रहे हो तो मेरे हिसाब से डालते हैं, और मैं भी डालती हूँ हींग, तो वैसे भी आप सारी दाल में डाल दो तो भी बहुत टेस्टी लगती है, हींग फ्लेवर ही एक अच्छा सा आता है। एंड हल्दी डालूंगी मैं इसमें, और इसमें मैं नमक भी डालूंगी, एंड और ग्रीन चिल्ली डाल दूंगी, और इसको इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके मैं सारी एक साथ डाल के और फिर रखती हूँ मैं, और इसको बाद में हम तड़का लगाते हैं। तड़का भी आप इसे जीरा और लहसुन या डाल के आप तड़का लगा सकते हैं, या सिर्फ लहसुन से तड़का लगा सकते हैं बारीक बारीक कट करके आप जैसे भी। एंड मैं इसमें एक चीज़ और डालूंगी जो मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें से मैं इसमें मैंने अदरक डाली है, तो इसमें मैं अदरक भी डाल देती हूँ, और इसमें आप और भी चीज़ें चाहे तो आप इसको टमाटर काट के, अगर थोड़ा खट्टापन लाना चाहते हो तो इसमें आप 2 टमाटर भी काट के डाल सकते हैं, जैसे कई बार होता है, लेकिन मैं टमाटर की जगह कुछ खट्टेपन में और कुछ यूज़ करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं टमाटर नहीं डालती, लेकिन डाल रही हूँ फिलहाल अभी, नहीं तो मैं वैसे इसमें टमाटर काट के डाल देती हूँ।
तो अच्छी बनती है। टमाटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो चटपटा खटा। थोड़ा सा चाहे तो आप इसमें हल्का सा मसाला भी डाल सकते हैं, कोई भी दाल सा मसाला डाल दे, थोड़ा बहुत जैसे मिर्ची हो गई हल्की सी, थोड़ा सा गरम मसाला, तो वो दाल और चटपटी अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हो। तो इसमें मैं 2 ग्रीन चिली डाल रही हूँ, थोड़ा तीखापन भी होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो एक दाल का टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि आप कहेंगे कि सब्जी की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है सारी चीज़ें, और इसमें मैं डालूँगी नमक, जो कि आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सीरियसली इतनी टेस्टी बनती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन मुझे विंटर का वेदर, विंटर सीज़न ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा अच्छी लगती है, गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट क्या करें, वो तो एक नेचर है, वो तो होना ही होना है। एंड देन बस इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि सारा सारा वही होगा। तो हल्का सा मैंने डाला, आधा ग्लास से कम ही डाला है। एंड बस गैस ऑन करूँगी मैं, और इसका कुकर का ढक्कन लगाऊंगी, और फिर उसके बाद हमें इसको बंद करके रख देना है 5 6 7, जितनी भी सीटी में आप बनाते हो उतने में आप बना लीजिए। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे बढ़िया सा तड़का, और दाल हमारी बहुत ही टेस्टी सी बन के तैयार हो जाएगी। दाल रख दी है मैंने अभी होने के लिए, बस इसके बाद मैं इसमें लहसुन और जीरे का तड़का लगाऊंगी, और एक चीज और भी मैं डालूंगी, उससे दाल थोड़ी चटपटी सी टेस्टी सी बन जाती है। और तो चलिए बताती हूँ वो दाल कैसे, मतलब इसको मैं तड़का कैसे लगाएंगे। आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग लगे, बट बहुत अच्छा है। हमारी इधर बनती है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं कुछ अपने तरीके से आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे दाल बनाती हूँ, बथुए पालक की, और भी तरीके से बनाती हूँ, बट ये वाला भी तरीका आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनाती हूँ। आप लोगों ने तो वैसे देख ही लिया, बस इसमें तड़का लगाना है। तड़के में हम लहसुन यूज़ करेंगे, जीरा यूज़ करेंगे एंड तेल यूज़ करेंगे, और देख हम डालेंगे कढ़ाई में तेल, एंड देन सरसों का तेल डाला, आप घी भी डाल सकते हैं या कोई भी तेल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। देन पालक की दाल कई तरीके से बनती है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, बट मैं जैसे बना रही हूँ मैं वो आप लोग, इसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया, बाकी दाल में मैंने हींग और सब कुछ डाल दी थी। और ये जीरा और मैंने लहसुन जो बारीक काटे हैं उसका तड़का आप लोगों को लग रहा होगा ज़्यादा, मैं थोड़ा सा ना जीरा जो होता है उस थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है वो, टेस्ट अच्छा आता है। आप थोड़ा सा कम करिएगा क्योंकि, और ये कढ़ाई में तेल भी थोड़ा ज़्यादा गर्म था, तो इनको हल्का सा लहसुन को ब्राउन कर लेंगे हम, और बहुत सिंपल सा तड़का लगेगा बहुत ही, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इस दाल का। आप ये ट्राई करके देखना, इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये जो लहसुन है ये देखिए ब्राउन हो चुका है, लहसुन और जीरा मेरा अच्छे से भुन चुका है। देन ये है आम की खटाई बोलते हैं, गांव में यूपी साइड में बनती है, मोस्टली लोग जानते होंगे, बट ये मुझे वैसे तो नहीं आती बनानी, मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, उन्हें शायद पता नहीं मिलती है नहीं मिलती है, बट इसको ना हमारे यहाँ यूपी साइड में दाल में बहुत डालते हैं, तो दाल और टेस्टी हो जाती है, चटपटी सी हो जाती है, आप कुछ और डालो ना डालो इसको, तो इसको ना मैं इसमें डाल के हल्का सा भून लूंगी, मैं ऐसा कुछ करना नहीं है, दिखाती हूँ। बस उसमें इसको मैंने देखिए दाल में डाल ली, और दाल भी डाल दी है। बस इस दाल को क्या करना है, 2 से 3 मिनट तक और हमें धीमी आंच पे छोड़ देना है, कि वो जो ये खटाई है उसके अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। और सीरियसली मतलब उसको बनाते मुँह में जैसे ना मेरे पानी, मुझे दाल बहुत अच्छी है देखने में भी, दाल आप लोगों को लग रही होगी ना कितनी बढ़िया बथुए की दाल, और ये देखिए इसके अंदर खटाई, इसके अंदर ना वो एक खट्टा खट्टा आम वाला टेस्ट आ जाता है इस दाल में, और दाल इतनी टेस्टी बनती है ये, लिटरली आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको राइस के साथ खाइए, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट राइस के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है, यू कैन ट्राई। हमारी दाल बन गई है, बहुत ही इजी तरीका था, वैसे तो सबको ही आती है, बट मैंने कहा मैं जैसे बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और भी मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, जब कई बार मैं टमाटर की प्यूरी बना के वो डाल देती हूँ तो भी और चटपटी, थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाल देती हूँ तो ऐसे बन जाती है, तो आप चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, अच्छी बनती है, मतलब खट्टा खट्टा ना वो, मतलब
टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यूपी साइड में ही आम के, जब आम होते हैं ना कच्चे, जब प्रॉपर नहीं हुए होते हैं, तो उन आमों से बनती है खटाई। पता नहीं इसमें ऑयल और मसाला वसाला नमक मिर्ची डाल के आई डोंट नो कैसे बनाते हैं, आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये दाल बहुत टेस्टी बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। होता ना कहीं कहीं की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, अगर कोई यूपी वाला होगा तो उसको डेफिनेटली ये चीज़ें पता होंगी। तो बस यही मैंने बनाया, दाल एंड देन अब राइस मैंने डाल दिया है, और बस मैं ही साएंगे जब रोटी बनाएंगे गरम गरम, और कुछ बनाना नहीं है। दिन अभी बजे शाम के नहीं, रात के समय। तो गाइस, इफ़ यू न्यू ऑन माई चैनल, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो, एंड प्लीज़ कॉमेंट भी किया कीजिए अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मुझे इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए या कुछ वैसी बनानी चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको करने की कोशिश करूँगी। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। तो चलिए इस ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, जो कि कल से बन रहा है, बनते 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 आज तक पे आया है। तो इस ब्लॉग का ही पेंट करते हैं, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।